हमारी जो द्रौपदी मुर्मू मैडम जो थी, जो आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि उनके आदेश से, उनकी इच्छा से यह योग विभाग की मतलब अवधारणा उनके मन में आ गई और डीसी और बाकी लोगों ने अपने सहयोग से इस विभाग की स्थापना की। और हमको उनके मुख से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाए। मैंने कहा पहले कि मैं आई थी तो मैंने कहा कि मैं कोई यहाँ परचम लहराने नहीं आई हूँ कि मैं इस विभाग को ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, ऐसा नहीं। पर यहाँ इस विभाग को जिस मुकाम तक उन लोगों ने लाया है, अगर उस विभाग को मैं उस स्तर का बनाए रखूँ तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ में
ठाकुर साहब और गुरुचरण सर कोऑर्डिनेटर के रूप में जो इस विभाग को आज वर्तमान तक पहुंचाने में जिस तरीके की अथक परिश्रम किया है आप अनुभव नहीं कर सकते। मुझे याद है शायद सितंबर का महीना था 2017 में ऋषिकोटी में एक आम का पेड़ हुआ करता था, उसी बीच में हम लोग लानिंग किए थे और वो इतना अधिक एक शैशव अवस्था से भी नीचे की स्थिति थी जिसमें कैसे विभाग का जन्म देना है। हम टुल्लू मैम और ठाकुर साहब के साथ रहने का थोड़ा सा समय मिला था, हम लोग बहुत बेसिक चीज पर बात कर रहे थे कि ये गंदगी जो छह महीने से करीब भीसीकोटी बंद है इसको एक क्लास के योग्य बनाना, प्लस वो रेसिडेंशियल है, डाइनिंग हॉल है, ड्राइंग का डाइनिंग हॉल को ये प्रायोगिक कक्षा के रूप में कैसे बदले, बच्चे ड्रेस कहाँ चेंज करेंगे, हमारे यहाँ भी योग शुरू होगी, ये किताब मैं नहीं दे सकता। फिर हम लोग जीरो में आ गया, बच्चों को कैसे ज्ञान का वितरण करें, फिर शुरू हो गए। तो शुरू हो गया तो वो मुख से जो गंगा का प्रवाह शुरू हुआ उसके सारे आज शाम सौकत और हमारे जो सितारे और हमारे उपस्थित सारे ऋषि मुनिगण हम आप और हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सबका आभार रहते हैं। मानसिक रूप से योग कक्षाओं का स्मरण करें, योग किताबों का ध्यान करें और योग युक्त होकर रहना सीखिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, पीरियड ऑफ टाइम से पॉइंट ऑफ टाइम आए, वर्तमान की परम स्थिति पर आएंगे आपकी योग बनेगी। जहां कहीं भी आप व्यवसायिक क्षेत्र पर हैं, आप कर्म क्षेत्र पर हैं, आप कक्षाओं में हैं, आप घर पर हैं या हंसी तौर पर यह कहूं कि फिरायलाल चौक पे, उससे कोई अंतर नहीं होता। आप पीरियड ऑफ टाइम से पॉइंट ऑफ टाइम पर आइए, आप अपने अनायास योग को प्राप्त करें। शिष्टता बहुत जरूरी है, हमारे बच्चे हमारे परिवार के जो भी सदस्य शिष्टता होते हैं हम उन्हें ग्रहण करते हैं या उनको कुछ और भी तिरस्कार करते हैं, यदि करते हैं तो हमें भी इस तरीके से जीवन में यदि शिष्टता नहीं हुई, अनुशासन नहीं हुआ, हमारा पतंजलि का सबसे पर योग सूत्र का सबसे पहला सूत्र का मीनिंग है अनुशासन। हम अभी भी हम मानते हैं कि हम अपने कक्षाओं में आसन प्राणायाम से कक्षा शुरू करते हैं, यम नियम से नहीं करते। मैंने देखा है दो चार सेशंस में यदि यम नियम से क्लास शुरू करते हैं अटेंडेंस मैंने पाया नहीं, मिडिल स्कूल से शुरू करना ग्रेडिस नहीं और बाद में जब अटेंडेंस सही होती है तो यम नियम को धीरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले ये सोचा जाता था कि योग का मीनिंग है समाज से दूर कर देना, परिवार से दूर कर देना, या तक प्रयास हमारे सारे योग के अनुभवी संत महापुरुषों का मॉडर्न महापुरुषों का कि हम सभी आज परिवार के अंदर स्वयं में स्वयं के जीवनचर्या में दैनिक जीवनचर्या में हम यदि सारे चीजों को समय पर कर लेते हैं और जुड़े हुए रहते हैं, जुड़ने के क्रम में ये विद्या आगे प्रसारित हुई है। अदरवाइज मैं जब पीएचडी और डीलीट कर रहा था मुझे पता नहीं था 2017 तक कि मुझे पढ़ाने और आपके बीच खड़े होकर आपके इस आधुनिक अनुभव को मैं भी ग्रहण कर सकूं ये मेरा भी था, बिकॉज मेरी लाइफ बैंकिंग लाइफ है और ये सौभाग्य है, ये केवल योग ही कर सकता है। बहुत सारी चीजें करने का मौका और भी कभी मिलेगा, समय का अभाव है और समय के साथ जुड़ना भी योग है। आप सभी एक अच्छे विद्यार्थी बनकर ज्ञान अर्जन कीजिए। हमारे पिछले सारे विद्यार्थी आज कहीं भी एक अभाव का, एक निर्वासन का या एक परिचित कहीं भी नहीं दिखता है। हमारी ये विश्वास है कि उन सारे शब्दों के बाद आप और भी आप सुसंगठित प्रतीत होंगे। हरि बोल।
जीवन में जब सर हमारे परिवार में थे तब वो हमेशा एक ही बात अक्सर बोलते थे हमारे यहाँ सर कि आसमां की बुलंदियों को तुम छूना चांद बनकर, आसमां की बुलंदियों को तुम छूना चांद बनकर और चाहे जहां भी रहो मेघना दिव्य बनकर। साथ ही कक्ष में उपस्थित स्कूल ऑफ योग के डायरेक्टर डॉक्टर मधुरिका वर्मा मैम, कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर साहू सर और विभाग के जो शिक्षक हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन राय, डॉक्टर सोनी सर, जितने भी मैम और जो भी विद्यार्थी हैं सबको सबसे पहले आज इस अवसर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। कथा यात्रा चलती रहती है जैसा कि डॉक्टर बी राज ने कहा है, मैं आपको बताऊं बहुत छोटे छोटे ज्यादा नहीं लूंगा कि योग विभाग की स्थापना हेतु तत्कालीन गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम जो आज भारत की प्रथम नागरिक भारत राज्य की महामहिम राष्ट्रपति थी, उनका आग्रह आदेश होते थे, आग्रह में ही इतनी ताकत होती थी, लोग सहर्ष मानते थे। उन्होंने तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और कुलपति डॉक्टर गांधी कुमार से आग्रह किया और आदेश दिया कि स्कूल और की योग की स्थापना करें, योग की पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि 2017 में सबसे पहले बार विश्व योग दिवस मनाया गया था। विश्व किसी नई चीज की स्थापना जैसे मैम बातचीत हमारी होती रहती है, एक नए पौधे को लगाना पता नहीं वो बीज से पौधा निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा, क्या भविष्य है, कैसे विद्यार्थी आएंगे, ये सब सोचते हुए विश्वविद्यालय ने एक सिलेबस कमेटी बनाया और आपको जानने के बाद हर्ष होगा सरकारी डॉक्टर बीबी रॉय और मनोज सोनी सर को उस स्थापना कमेटी के का हिस्सा बनाया। मतलब हम लोग से भी अगर आप कहें कि विभाग की स्थापना के लिए जिनका सबसे पहला प्रयास था वो डॉक्टर बीबी रॉय और डॉक्टर मनोज सोनी सर थे। कोई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको मैनेजर से, बिना मैनेजर के काम साथी
अब फॉर्म के प्रिंट कहाँ से लिए, पैसे भी तो नहीं लिए थे मेरे पास, तो हमेशा प्रिंटर होता है, अपने प्रिंटिंग मशीन से 50 कॉपी प्रिंट करके ऑफिस कहाँ है सर, कहीं कुछ नहीं लिखी। तो टोपनो सर है प्रोविसी के पीए, उनसे मेरा शुरू से ही बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। मैंने कहा कि बस प्रोविसी का जो ऑफिस है ना वही ऑफिस रहेगा, वही वही कुमार जो होगा। और मैंने सब कुछ दे दिया, एक बिल भी बनाकर दे दिया, कहा कि जो पैसे जमा करेंगे आप रख लेंगे। आप सोचते हैं कैसे जन्म हुआ इसका, अब विद्यार्थी कैसे हैं, हाउ डू यू नो। तब असली मैं और एक छोटे से जगह पर आम के गाछ के नीचे घंटों रहे और उनको बोले कि अद्भुत है ऐसा, तो मैं मतलब मेरे कल्पना सारा इतना आनंद लेती हूँ। और उनको लगता है कि 2019 में फिर मेरी मुलाकात हुई तो मुझे हर कैसा चल रहा है चुनौतियां गोमुख होना चाहिए तभी ना गंगा निकलेगी। तो हम लोगों ने पीजी डिप्लोमा शुरू किया, चलो एक साल कम से कम विद्यार्थी पढ़ेगा तो पीजी में आएगा, नियम भी बन गया पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए तभी पीजी में एडमिशन होगा। फिर भी मेरे मन में हमेशा व्याकुलता रहती थी, तुरंत मैम से हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे, बोले मैम अभी भी मामला ठीक नहीं और हमारा टीचर भी दोस्त तो क्या ग्रेजुएशन शुरू करते पहला स्कूल रांची यूनिवर्सिटी में जो खुला, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा, तो यही योग स्कूल ऑफ योग। चुनौती रहेगी कि जो हमारे पहले वाले लोगों ने स्थापित किया है उस
मान मर्यादा को उसको आगे कैसे बढ़ाए। लगता है अच्छा इस जगह की बड़ी कहानी है। अरे बाप रे, इस जगह के लिए जो हम लड़ाई लड़े हैं वो कभी किताबों में और वो करते थे नहीं सर चाहिए, सर चाहिए जगह नहीं है, विद्यार्थी बन रहे हैं, कोर्स लॉन्च करना है, चाहिए जगह चाहिए, और वो हमसे मतलब डांटते थे कई बार, तुमको हटा दे, तुमको हटा दीजिए, तुम्हारा चिंता खत्म हो जाए, जब तक है तब तक जगह चाहिए। लेकिन कहते हैं आप अच्छे मन से कोई चीज डिमांड करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अगर नाराज होता है फिर वो आपके लिए करेंगे। और ये जगह जहाँ पर बैठे रेस्टोरेंट का जगह, ठीक है, और इस जगह को हम लोग जैसे ही मौका मिला उसी दिन हम विकास बोले, विकास सोचता नहीं है पैसा बाद में, पैसे बाद में आएंगे, पहले सोनभद्र जाके पहुंचाओ। अब जा कैसे होता है ना, बिहार के अंदर मालूम तब जा कैसे। और हम लोग पूरा सुबह सुबह यहाँ पर विकास ऑटो लेकर सब पैसा में छोड़ पैसा दे रहे और ला के सामान लेके अगला दिन से क्लास शुरू। आप लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर याद रखना, झंडा लेकर जो चलने वाला है वो आप लोग, आपको देखकर लोग हमारे बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप जितनी उपलब्धि प्राप्त करेंगे विद्यार्थियों को उतना झंडा बढ़ेगा इस जगह का। मैं बताऊं कि आपके यहाँ से जो विद्यार्थी लोग निकले हैं मनीष सभी निकले हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इनसे सीखिए, इनसे पढ़िए, बड़ा आशीर्वाद है। मैं तो जूलॉजी का प्रोफेसर हूँ, मैं तो जंतु विज्ञान पढ़ाता हूँ, कभी मेरी भी जरूरत पड़े किसी विशेष विषय जानने के लिए तो संकोच नहीं करना है, सिर्फ मुझे बोल दे रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ योगा को स्कूल ऑफ योगा बनाया, आपके अथक प्रयास संभव हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकार में हमें जानकारी प्राप्त हुई, वास्तव में स्कूल ऑफ योगा क्लास। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस स्कूल ऑफ योगा के कोऑर्डिनेटर, जिनका जिनकी जीवन शैली ही वास्तव में योग है। आपके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि है सुरमा वही जो अपनी राह बनाता है, सुरमा वही जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है परचिन्हों पर, कोई चलता है परचिन्हों पर और कोई परचिन्ह बनाता है, ऐसे हमारे Okay.
प्रेजेंटेशन में आज हमारे इस स्कूल ऑफ लॉ का प्रोग्रेस दिन दुनिया रात जोगनी पढ़ती जा रही है। साथ ही आज हमारे जितने भी शिक्षक भी उपस्थित हैं उन सभी को भी स्वागत करते हैं और हमारे जो विद्यार्थी इस स्कूल ऑफ लॉ में अध्ययनरत हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही आज हमारे बीच में जितने भी ऑफिशियल स्टाफ हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में दीदी त्रिपाठी भी उपस्थित हैं उनका भी स्वागत करते हैं। आज का दिन जो है हम सभी लोगों के लिए गौरव का दिन है क्योंकि आज के दिन में हमारे स्कूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 2017 को। अभी इस योग का समय चल रहा है ये पूरे विश्व में योग का स्थान सर्वोपरि अभी है। आज पढ़ती अस्पताल का समय है। अब स्कूल ऑफ योग में जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत पढ़ती अस्पताल का समय आ गया है। तो मेरा कहना है कि विद्यार्थी काफी मेहनत करें और आगे बढ़ें क्योंकि बिना मेहनत के अभी कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में ही सभी विश्वविद्यालय में योग की करीब करीब पढ़ाई शुरू हो गई है। तो जो समय चल रही है उसके अनुरूप आपको सर्वोपरि रहना होगा है ना। क्या होगा सर्वोपरि रहना होगा क्योंकि तभी आप लोगों का स्थान मिलेगी। अभी समय था जितने भी शुरू अवार्ड में था कि जहाँ कहीं भी लोगों को स्थान मिल जाते अब करीब करीब सभी जगह अभी स्कूल वगैरह में भी योग टीचर की वगैरह का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग के बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज हैं जो अच्छे करेंगे उनको निशंदेह स्कूल वगैरह में भी पढ़ाने का मौका मिलेगा लोग शिक्षक के रूप में बहाली होगी। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में भी अभी नया शिक्षा पद्धति जो आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें योग भी डाला गया है तो उसमें भी पढ़ाने का मौका आप सभी लोगों को मिलेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेहनत कीजिए अच्छा कीजिए नेट कीजिए गेट कीजिए। हालांकि स्कूल ऑफ योग हम लोग का जो है इसका इतिहास बहुत अच्छी अभी तक बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं करीब करीब हर एक साल यहाँ से तीन से पाँच नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर 65 स्टूडेंट करीब एडमिशन लेते हैं हर एक साल नेट में नई और मास्टर डिग्री में उसमें से 3 से 5 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। आप लोगों का रिजल्ट का जो प्रतिशत है कम से कम 8 से 10% करीब करीब आ रहा है ठीक है। तो इसको और थोड़ा आप लोग आगे बढ़ाइए जिससे कि आप लोगों को मौका ज्यादा से ज्यादा मिलेगा कॉलेज में शिक्षक बनने की योग्यता मिलेगी कॉलेज में शिक्षक बन पाएंगे साथ ही साथ देश का सेवा कर पाएंगे विदेश में भी सेवा कर पाएंगे। जो है केवल इंडिया में ही आप लोग सेवा नहीं दे पाएंगे विदेश में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के बच्चे लोग जो है वियतनाम वगैरह में भी काम कर रहे हैं चाइना में भी काम कर रहे हैं यूएसए वगैरह में भी जाकर के लोग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटा समय देते हैं और वहाँ पर डॉलर में पैसा कमा रहे हैं
लोगों से अनुरोध हम करते हैं एक बार फिर भी आप लोग अपना पूरा मेहनत लगाइए। हमारे बीच में जो शिक्षक है ये मनीष संतोषी और राजेश इसी स्कूल ऑफ योग के विद्यार्थी रहे, जैसे आप लोग का भी विद्यार्थी है उसी प्रकार मेरे लोग भी स्कूल ऑफ योग के विद्यार्थी रहे और हमारे बीच में अभी शिक्षक के रूप में उपस्थित है ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ करके निकले पूरे भारत वर्ष में पूरे विश्व में छात्र हैं ये समय पूरे भारत वर्ष के हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ के विद्यार्थी जाए और राज्य विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। और हम वीर अपने पौरुष का जो उत्त
उत्तरोत्तर वृद्धि है वह भी साथ साथ करें, अर्थात छात्र को भी हम अपनी तरह मजबूत बनाएं। हे जसविना व गीतमस्तु, आप प्रायः देखते होंगे कि हम लोगों के लोगों पर लिखा हुआ है हे जसविना व गीतमस्तु। तो कहता है कि नौ मतलब हम दोनों गुरु और शिष्य जो है वो तेजस्वी बने। अगर गुरु तेजस्वी है तो वह छात्र का हाथ पकड़ के चलेगा तो छात्र भी उसी तरह तेजस्वी होंगे। और माँ की दिशा बने, गुरु और शिष्य कभी एक दूसरे से द्वेष ना करें। गुरु का भी यह काम है, शिक्षक का भी यह काम है कि वह अपने आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उससे किसी प्रकार का द्वेष ना करें। इस प्रकार से हमेशा एक लर्नर होता है, हमेशा टीचर्स मस्ट बी लर्नर। टीचर्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए, वो कभी छात्रों से भी सीखता है, अपने से बड़े से सीखता है। और अभी आज सबसे पहले मैं मंच पे डिजिटली आसीन अपनी पूर्व निदेशिका डॉक्टर टुल्लू सरकार का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो इतनी देर से हम लोगों के इस कार्यक्रम को और आप सबको उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि आज ये विभाग जो है उनके द्वारा संचालित किया गया और आज इस मुकाम पर पहुंच रहा है। और साथ ही मेरे उनके सहकर्मी एकदम साथ साथ चलने वाले डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर, बच्चे की कभी बात आती है और बच्चे के हल्ले फूलने की बात हो तो भला कैसे सारा काम छोड़कर नहीं आता है। तो जब मैंने इनको बुलाया कि कल स्थापना दिवस है, जिस विभाग की आप लोगों ने स्थापना की वो आज कहाँ पहुंच रहा है, कैसे जा रहा है, आपका मार्गदर्शन हमेशा इसको मिलना चाहिए। जो भी पूर्व के शिक्षक हो या इसकी स्थापना में जिनकी अवधारणा है उनका हमेशा सहयोग मिलना चाहिए ताकि यह विभाग जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करे, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। और कहा उन्होंने कि योग है, तो हमें तो लगता है कि ये देवत्व का निवास है, यहाँ देवत्व का निवास है। मैं जब यहाँ डायरेक्टर बन के आई तो मैंने कुछ बातें अपनी सोच में रखी कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हम लोग कुछ डिमांड करेंगे। ईश्वर की कृपा देखिए, मुझे डिमांड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सारे यहाँ डेस्क चेयर बेंच मतलब जैसे ही जिस महल को इन लोगों ने बनाया था, इतने यहाँ तक पहुँचाया था, उसने मुकुट अपने आप कर लिया और यह विभाग इस तरह से अपने आप सज गया। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि योग विभाग की स्थापना आज से 5 साल पूर्व हुई और यह छोटे स्तर से इसकी शुरुआत हुई और यह विभाग बुलंदियों को छू रहा है। मैं तो कहूँगी बुलंदियों को छू रहा है, जहाँ से बच्चे इतने अच्छे और नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, देश विदेश में पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जब पुरस्कार वितरण समारोह हमने किया तो वीसी के आंखें फटी रह गई कि इतने पुरस्कार, तो मुझे भी बड़ा गर्व हुआ। और मैं हमेशा पिछले लोगों को याद करती हूँ, डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर और जो भी उसमें थे, वो सोनी सर हो और विभूति सर हो, विकास हो, इन लोग सब का बहुत ही आत्मा से लगा हुआ प्रयास है। ये कोई इन लोगों ने प्रोफेशनल तौर पे नहीं किया है, बल्कि इन्होंने अपनी आत्मा लगाई है इस विभाग को बनाने में, तो हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और किसी भी संस्थान की स्थापना जिसकी सोच होती है उसके प्रति हमको आभार प्रकट करना ही चाहिए। और हमारी गवर्नर जो कुलाधिपति थी उनकी भी ये बहुत बड़ी सोच है। ऐसे तो जो उच्च पदस्थ हो जाते हैं धीरे धीरे उनका सोच का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे जो द्रौपदी मुर्मू मैडम जो थी, जो आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि उनके आदेश से, उनकी इच्छा से यह योग
विभाग की मतलब अवधारणा उनके मन में आ गई और डीसी और बाकी लोगों ने अपने सहयोग से इस विभाग की स्थापना की और हमको उनके मुख से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाए। मैंने कहा पहले कि मैं आई थी तो मैंने कहा कि मैं कोई यहाँ परचम लहराने नहीं आई हूँ कि मैं इस विभाग को ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी ऐसा नहीं, पर यहाँ इस विभाग को जिस मुकाम तक उन लोगों ने लाया है अगर उस विभाग को मैं उस स्तर का बनाए रखूँ तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बच्चों का उत्साह भी देखते बनता है कि यहाँ बच्चे भी इतने उत्साहित और इतने शालीन, और मैंने कर्मयोग में देखा कर्मयोग करते हुए किसी बच्चे में ये नहीं था कि वो एक किनारे में खड़ा हो और वो काम नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा कि किसी भी काम को करने में हम आगे बढ़कर उस काम को करें। और टुलू मैम सब सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आनंद ठाकुर सर को भी बहुत धन्यवाद देते हैं और कहेंगे कि विभाग हो योगमय, देश हो योगमय और संपूर्ण विश्व हो योगमय, यही हमारी कामना है क्योंकि जीवन जीने की एक कला है जो। और कहा गया है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, तो पांच प्रकार की जो चित्त वृत्तियां हैं आप लोग को पढ़ते हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाना है ये हम सीखते हैं। और अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य का मतलब हम लोग प्राय पहले आप सुनते होंगे तो आपको लगता है कि योग कौन करता है, ऋषि मुनि लोग करते हैं, बुजुर्ग जो हो जाते हैं वो करते हैं, वैराग्य का मतलब हो गया नहीं, आसक्ति का ना होना, हमको किसी चीज के प्रति बहुत आसक्ति न हो ये बात सिखाता है वैराग्य। तो अभ्यास और आसक्ति से हम उसका निरोध कर सकते हैं, ये बातें यहाँ सब सिखाई जाती हैं। और हम सब जैसे यहाँ सीखते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हमारा, और हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है वह आप युवा हैं और आप देश के कर्णधार हैं, आप यहीं तक मत इसको सीमित रखिए, अपने दोस्तों में अपने कहीं भी मौका मिले आप इन बातों का प्रचार प्रसार कीजिए कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि कभी जीवन में किसी को रोग नहीं होगा, पर रोग को सहने की क्षमता जो है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे हम निरोगी रहेंगे, देश निरोगी रहेगा, देश में ऐसे युवा रहेंगे जो स्वस्थ रहेंगे, तो उस देश पर वो देश तो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा, विश्व गुरु तो ऑलरेडी है लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए भी देश के युवा को अपने आप में बहुत सुधार करने की जरूरत है। और आपका भी यही उद्देश्य हो कि हम इन दो स्तर को बताएं। और दो तीन बातें और थी, मैंने स्वागत नहीं किया, मैं शिक्षकों और यहाँ के कर्मचारियों और यहाँ के छात्रों सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पहले से इन लोगों ने ठाकुर सर ने जैसा बताया कि इन लोगों ने शुरू किया था एलुमनाई एसोसिएशन, तो हम चाहेंगे कि इस एलुमनाई एसोसिएशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और जितने भी बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं वो एलुमनाई एसोसिएशन में जरूर जुड़े और साल में एक दिन इसी दिन को हम स्थापना दिवस को एलुमनाई डे के रूप में मनाए और जिसमें देश विदेश से हमारे एलुमनाई जो इतने दूर दूर तक फैल गए वो आए और जगह जगह की बातें बताएं और सेमिनार करें और सबको सर्टिफिकेट भी दें, ये मेरी योजना है। और हम हमेशा ग्रीन कैंपस के लिए हमेशा तत्पर रहें कि कहीं पे भी, ये तो अभी छोटा सा एरिया है इसको हम लोग ग्रीन बना रहे हैं लेकिन आपको जहाँ भी मौका लगे अपने आसपास आप हमेशा ग्रीन लगाइए, तभी हमारा देश जो है हम अच्छे वातावरण में सांस ले पाएंगे, इसके लिए भी हमें प्रयासरत रहना है। योग यही सारी बातों को सिखाता है। निधि को भी मैंने एक बार बुलाया, वो आ गई, बहुत खुशी की बात है। सबको एक बार पुनः स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। जो कि
के थ्रू हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डायरेक्टर मैम डॉक्टर जी सरकार सरकार जो सर्टिफिकेट्स तो कोर्स जो भी खोला जा सकता है
बहुत पैसा अर्निंग खर्च नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा नहीं देती। तो कम पैसे खर्च करके नए नए कोर्स अगर आप शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी वो फायदेमंद होगा और विभाग के लिए भी। तो आज पांचवें स्थापना दिवस पर मैं जो हमारे प्रशासन में है जो बैठे हुए हैं जो कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स की ओर से यूनिवर्सिटी की ओर से मैं सब आपको इतना आपको तक कह सकती हूँ कि आप प्लीज इसका देखिए कि कितना कर सकते हैं। लेकिन हमारे भी हाथ बढ़े हुए रहते हैं हम लोगों ने भी बहुत किया आनंद जी को तो पता ही है और हम दोनों ने मिलकर बहुत किया आनंद जी अभी तक काम करते हुए यूनिवर्सिटी के तो उनको पता है कि कितनी मुश्किल है सारे लोग करने की कोशिश किया पर कोशिश तो जारी रहेगी कोशिश अगर नहीं करें आपके हाथ धरते बैठे रहे रुक जाएंगे। इसलिए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है और जितना जल्दी ये करें विभाग उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे अदरवाइज एक स्टैग्नेशन की स्थिति पर पहुंच जाएगी जहां स्टूडेंट्स आपको उतने नहीं मिलेंगे और वोकेशनल स्टडीज और वोकेशनल कोर्सेज आप जानते हैं स्टूडेंट्स पर दिए। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और स्टूडेंट्स को बहुत आशीर्वाद बहुत बढ़िया काम शुरू कर दी थी और मैं जो अपने सहयोगी हैं डॉक्टर गुरुचरण सर जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है उनका मैं स्वागत नहीं कर पा रही इसलिए एक बात अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे 22-24 बैच के विद्यार्थी मौसम योग डेमोंस्ट्रेशन
समापन की ओर है। एक बात याद आ रही है स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, मैं आपको बताना चाहते हैं सर कि जब छोटे थे फिफ्थ क्लास में था तो कंकण जब सीख रहे थे आदरणीय श्री रमेश अभिदासी जी से, तो वो एक चीज बोले कि बेटा सीखना ऐसे पढ़ना ऐसे विद्यार्थी ऐसे बनो कि सामने वाला समझ ना पाए कि गुरु है कि शिष्य है। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक और एक दो होते हैं, जोड़ से कहते हैं एक वन प्लस वन टू, पर मैं ये कहूंगा कि आत्म और मैं बेटा एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं, एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं, कोई पीछे नहीं खड़ा मेरे बगल में, एक का एक का ग्यारह होते हैं। ऐसे विद्यार्थी व्यवहार के लिए जो कहने में तो विद्यार्थी रहे लेकिन आज एक और एक दो नहीं हुए, एक और एक ग्यारह हुए, आज बगल में आकर खड़े हो गए और हमारे जैसे शिक्षक बन गए। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा मतलब उसके लिए गिफ्ट कह सकते हैं, पुरस्कार कह सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहे कह सकते हैं, वो तभी होता है जब उनके पढ़ा हुआ विद्यार्थी बगल में हो जाए। और हम चाहते हैं आपके जो बेटे में वो भी इनका अनुसरण करें और ऐसे विद्यार्थी बने। तो ऐसे सबसे प्यारे विद्यार्थी जो कि आज आपके बीच में शिक्षक के रूप में उपस्थित है, मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजेश सर जी। धन्यवाद सर। सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और विद्यार्थियों को हरिओम। मैं अभी एज ए स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी की तरह आपके बीच बोलने आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं जहाँ पढ़ा, जिन शिक्षकों से पढ़ा और वहाँ अभी पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो उस आनंद को शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। जब हम लोग शुरू में, जैसे कि आप लोग सुन चुके हैं कि कैसे हम लोग का डिपार्टमेंट का स्थापना हुआ, जब हम लोग शुरू में गए थे तो बीसी ऑफिस में जाकर फॉर्म लिया था मैंने भी, और फॉर्म क्योंकि लेट से सेशन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले मैं पीजी केमिस्ट्री में एडमिशन ले चुका था, लेकिन पेपर में देखा कि यहाँ स्टार्ट हो गया है योगिक साइंस में पीजी, तो चूंकि मुझे करना था चूंकि इंटरेस्ट था, लेकिन चूंकि और अवेलेबल उस समय नहीं थे पीजी के, तो मैं ये किया था कि कुछ नहीं कर रहा हूँ तब तक पीजी कर लूँगा इधर केमिस्ट्री से। तो जब एडमिशन फॉर्म मिलने लगा यहाँ पेपर में आया तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। तो उस समय सर जो वहाँ थे, जब मैं अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने गया था कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट से एल सी दे दो जी, ये लिविंग सर्टिफिकेट अभी ऊपर रहेगा ऐसे सर बोल दे, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप से लगा। तो उनको बुरा लगा होगा कि कोई बच्चा अभी अभी एडमिशन लिया छोड़ के जा रहा है, थोड़ा बुरा तो लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट मेरा इंटरेस्ट था कि हमको वही पढ़ना है, लेकिन उनको ऑप्शन नहीं था कि ऐसे ही है तो कोई कोर्स कर लेते हैं तो एडमिशन वहाँ ले लिया। बट जैसे वो वहाँ गए तो सबसे पहले जब एडमिशन लेने के लिए गए तो देखिए बेंच वेंच पूरा गंदा है, धूप है, हम लोग अपने से साफ वाफ किए, जो विकास सर आपके सामने बैठे हैं एडमिशन ले रहे थे, फिर एडमिशन वगैरह हुआ, लेकिन ये मन में विचार ऐसा कभी नहीं आया कि ऐसा है यहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो कॉलेज ऐसा डिग्री मिल रहा है इसी आवाज़, ऐसा मन में विचार कभी नहीं आया, बस पढ़ना था, ऐसा भी है पढ़ने का मौका मिल रहा है यही बड़ी बात है। ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये मन में विचार ही कभी नहीं आया। और आप लोग को तो इतना अच्छा यहाँ मिला है, हम लोग का जो हम लोग बाइक स्टैंड करते हैं अभी उससे भी उसका फर्स्ट इतना भी अच्छा नहीं, टूटा फूटा था, भूल भूल थे, हम लोग रोज ये मैथ सारे उठा कर ले जाते थे, खुद से झाड़ू लगा देते, फिर उस पर बिछा कर क्लास करते थे, फिर उसको मोड़ के रखते थे, ऐसा रोज करते थे। आप लोग को तो बिछा बिछाया मिलता है, उसमें भी अगर कभी कभी बोला जाता है कुछ साफ करिए तो कुछ बच्चे मुँह बनाने लगते या तो मैं झाड़ू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह सब भाव आपका जब तक शुद्ध नहीं होगा तो मुझे लगता है युग के क्षेत्र में बहुत आगे शायद न बढ़ पाए। और ऐसे भाव को सिद्ध करना है और यही योग है, वही सीखना है अपने अंदर जो कमियां हैं दिन प्रतिदिन देखना है, जिसको दृष्टा भाव बोलते हैं, और देखते हुए अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए भाव का शुद्ध होना जो मैं अनुभव किया हूँ बहुत जरूरी है। तो ऐसे करते पढ़ते हुए फिर पीजी हो गया लास्ट सेमेस्टर में, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में रहना था, और जब मैं इंटर पास किया था तब से मुझे था कि मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, तो एक था कि इसके लिए इतना पता था कि नेट करना पड़ता है, पीजी करना पड़ता है। तो जब लास्ट सेमेस्टर में आया तो हमसे पहले संतोषी मैम और एक रोहित थे, तो वो लोग का नेट हो
मुझे लगा कि अब तो लास्ट सेमेस्टर है तो अब क्या करें, अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर लास्ट सेमेस्टर जब आया तो कैसे भी करके करना है, थोड़े दिन अच्छे से पढ़ा, फिर नेट हो गया, फिर सर हमसे थोड़ा रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू हुआ है, तब के बीच फिर मौका मिल गया पढ़ाने का। तो बहुत लोग अभी भी बोलते हैं नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग अभी यंग एज में हैं थोड़े, तो लोग देखते हैं पढ़ाते हैं। तो फिर जब बहुत लोग बोलते आपका कोई सोच पहले भी होगा, जान पहचान होगा यूनिवर्सिटी में, कोई कभी होगा कैसे होता है, इतना जल्दी तो नहीं होता है किसी का, लेकिन ऐसा दूर दूर तक कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं यही अनुभव किया कि अगर आपका भाव शुद्ध है, अगर आप में चाह है करने की, तो ईश्वर वो रास्ता दिखा देते हैं, आपको नहीं पता होता है। मैं जब पीजी में एडमिशन लिया तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, बट कैसे कैसे रास्ता मिलता गया और मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जहाँ मैं पढ़ा वहीं मुझे मौका मिला। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और योग को योग की तरह समझने का जरूर प्रयास कीजिए। अभी मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ कि बस शारीरिक स्तर तक इसको रखते हैं और शारीरिक स्तर तक समझना योग नहीं है, इसके मन के स्तर तक, आध्यात्मिक स्तर तक, जीवन दर्शन के रूप में आप इसको देखिए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा और एक सफल जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन हम जी सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे सिंपल जिए और खाए पिए चले गए, तो ऐसे तो सभी जीव जंतु भी करते हैं, तो हम भी मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ होकर अगर हम भी वही कर रहे हैं तो फिर उनमें और हमें लगता है बहुत कोई फर्क नहीं है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उससे और खराब ही स्थिति है कि हमें सोचने समझने की शक्ति होने के बावजूद भी हम वैसा ही जीवन जिए। तो अगर आप समझने का प्रयास करेंगे इसे, इसकी गहराइयों में जाने का, सोचने का, समझने का, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है खुद से प्रश्न करना, पूछना कि मैं जो कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कहाँ तक सही हूँ। जैसे और एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, समय कम है कि जैसे एग्जाम लिखते हैं आप लोग सब लोग, ये बहुत शिकायत आती है बच्चों की कि बच्चे चीटिंग करते हैं एग्जाम में, चाहे दूसरा सेंटर हो या अपना सेंटर, ठीक है। हम पहला ही पढ़ते हैं इसमें यम नियम, यम में पढ़ते हैं सत्य अस्तेय, तब कहाँ इतना सब आपके नहीं आया कि आप चीटिंग करते हैं एग्जाम में, तब कहाँ योग आपके जीवन में, कहीं नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे ना, फिर से एग्जाम देंगे सेमेस्टर वाइज, एक सेमेस्टर में देख ही रहेगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, फिर से मौका मिलेगा। इतना तो पढ़ लेंगे पास हो जाए, 20 नंबर 8 नंबर लाना होता है, पहले बता दिया जाता है कि ये चैप्टर ये पढ़ना है, उसमें भी हमें चीटिंग करना पड़ता है, इससे खराब बात तो क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप अपनाइए तो आपका योग पढ़ना और समझना मुझे लगता है सार्थक होगा। अपना मेरा जो अनुभव रहा है वो अपना मैं शेयर किया। धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि आपका बचपन का सपना था यूनिवर्सिटी पढ़ाए और हम पढ़ाने लगे तो योग से पूरा हुआ। अब मैं आप समय देते हुए संक्षिप्त चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिनकी मधुर मुस्कान से विभाग हमेशा जिनके बारे में सिर्फ एक ही बात है, जुट जाए हम मिल करके, जुट जाए हम मिल करके नव युग के निर्माण में, आओ हम खुशहाली हो दे फिर से इसी जहां है श्री मनीष सर प्लीज। लेकिन वहां पे जब हम लोग गए
तो लगता ही नहीं था कि सभी का मतलब लोग इतने अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, सबका काफी सहयोग रहता था, कुछ भी कार्य होता था आनंद सर एक बार बस बोल देते थे और बस आधे घंटे में सारा प्रोग्राम तय हो जाता, क्या करना है, और सभी लोग हम लोग मिल करके फिर झाड़ू कर रहा है जो ये साफ करके तुरंत कैंपस में एकदम रेडी, और कई तरह के प्रोग्राम हम लोग वहाँ पे किए। छोटा सा जगह था लेकिन बहुत ही वहाँ का माहौल जो था बहुत गुरजागर था, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर टुल्लू सरकार मैम और आदरणीय डॉक्टर ठाकुर सर आप बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है सर का, और ये हर ऐसा नहीं कि आप यहाँ योग सीखने आए हैं तो बस केवल आप आसन के लिए वहाँ आसन सीखिए और चले जाइए, हम लोग यही समझते थे कि योग का मतलब बस यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे आने के बाद आपको पता चला कि जो आप शिव और शक्ति का जो समन्वय होता है जिससे सृष्टि का निर्माण होता है वो आपको वहाँ देखने को मिला, सर का जो आप अभी जो ये देख रहे हैं वृक्ष ये बहुत पहले से ही तो लगता है आनंद सर के विचारों में चेतना में चल रहा है। बांस का जो वृक्ष है आप देखेंगे जब उसको आप लगाएंगे तो 5 वर्षों तक वह आपको जमीन पे नजर नहीं आएगा, लेकिन जब 5 साल के बाद जब निकलता है तो इतना तेजी से वो बढ़ता है कि देखते ही देखते पूरे आसमान को छोड़ देता है। वैसे ही जब यह डिपार्टमेंट बना उसके बाद से तो 5 साल ही हुए और 5 साल में आप देख रहे हैं कि एक किस तरह से पौधा प्रदर्शित हो रहा है, और हम बहुत ही गर्वान्वित अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला है ऐसे आदरणीय शिक्षक और क्लास का मैं थोड़ा सा बताता हूँ परमिता मैम उससे मुझे बहुत डांट दे और पता नहीं उस टाइम क्या होता था कि जब भी ये ऐसे तो याद रहता पूरा रट करके आते थे और कभी नहीं भूलते थे, बस कोई अगर कहीं से पूछ ले दे देते थे जवाब, लेकिन जैसे ही क्लास में आए और सर पता नहीं कैसे अचानक से हाँ खड़े पत्र इतना सुंदर सूत्र बोल गए कहाँ से वो सूत्र याद आया फिर वो कर सर थोड़ा वो अब याद आता है कि नहीं वो जिस तरह से आप अलर्ट जो आप रहना चाहिए क्लास में वो सर के ही दें, आप जीवन में जैसे भी रहें जहाँ भी रहें आप हमेशा सजग रहना जो योग का पहला सूत्र है, योग अगर कर रहे हैं तो जीवन में आपको हमेशा हर जगह चेतन और सजग रहना पड़ेगा। तो हम सभी विद्यार्थी इस जो डिपार्टमेंट है इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे सभी करके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समापन को ले जाते हुए हमारे विद्यार्थी और आप सभी के विभिन्न शिक्षक संतोषी जी मेरे माता पिता स्वरूप शिक्षक जो मंच पर विराजमान है और हमारी वरिष्ठ माता जी जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है और प्यारे बच्चों आप सभी को मेरा नमन प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ 10 लोगों के साथ आँख से आँख मिला के उन लोगों का जवाब दे पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ योग विभाग का योगदान है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कल तरुण वृक्ष के जैसे हैं, जो भी मैंने मांगा जो भी सोचा
सिर्फ वो प्रकट हो गए। मैं अब तो बहुत हमारे बीच में ऐसे बच्चे हैं जो समय को लेके या अपनी व्यस्तता को लेके एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास लेती हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। मैं जब योग विभाग में आई मेरा रोल नंबर 54 था, मतलब लास्ट में एडमिशन लिया, मुझे पता नहीं चला। मैं इससे पहले योग इंस्ट्रक्टर कोर्स कर चुकी थी, इस व्यासा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर लिया था, तो मुझे लग रहा था कि अरे योग में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं मनन विद्या स्कूल में एज ए योगा टीचर फुल टाइम में वहाँ पे काम कर रही थी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विदेश जाने का भी शौक था, इसलिए मैंने डिप्लोमा कर लिया था, मेरे वीजा तैयार थे, सिर्फ मुझे जाना था, कंपनी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन एक दिन मेरे मित्र ने मुझे अखबार में दिखाया, देखो तुम्हारे योग के लिए कुछ है, अगर तुम इसमें कुछ करना चाहो। तो मैंने सर को फोन किया, सर को बोला कि सर अभी एडमिशन हो सकता है क्या, तो बोले कि हाँ, मेरा सर का नंबर क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आइए फॉर्म भरिए हो जाएगा। यकीन मानिए मैंने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मैं घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, मैं शुरू से ही जो यहाँ पे मैं नवोदय विद्यालय की छात्रा रही और वहाँ से पढ़ के डायरेक्ट रांची आई, मेरे माता पिता मुझे एक रुपया नहीं दिए, मैं शुरू से ही शायद मेरे खून में योग था, मैं शुरू से ही योग से जुड़ी हुई थी, मुझे कहीं पर भी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शायद वो कर्म में कुशलता और मेरे अंदर जो क्षमता थी मैं उसको योग से निखार पाई। और जब मेरे सर्टिफिकेट्स देखे, मुझे बिना इंटरव्यू किए हुए मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई, उस नौकरी को मैंने छोड़ दिया और ये भी नहीं सोचा कि मैं अब आगे क्या करूँगी अगर मैं पढ़ाई करने लगी तो। फिर भी मैंने एडमिशन लिया और मनोज सर, पंजाब मैम, बीबी रॉय सर हमें पढ़ाने लगे। और यकीन मानिए कि जो भी चीजें मैंने पिछले वर्षों में सीखे थे, योग में जो भी मैंने सीखे थे, वो सिर्फ योग के 0.1% थे, बाकी जो सीखना था सर और मैम लोगों से हमें सीखना था। जो लोग ये एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमें टाइम नहीं है और हमें सीखना है, अगर आप अभी से सैक्रिफाइस करना नहीं सीखेंगे, छोटे छोटे चीजों के लिए बड़े चीजों को सैक्रिफाइस करते चले जाएंगे। आपको अभी लग रहा है कि जो आप घर घर में जाके योग क्लासेस लेते हैं ना, उसकी वजह से आप ये क्लासेस छोड़ देते हैं, यकीन मानिए आप लोग बाद में बहुत पछताएंगे। ये 2 साल जो है ये आपका टीचर्स है, अगर ये 2 साल को यूटिलाइज कर लिया तो आपके जीवन को जीने का एक तरीका सीख जाएंगे। कहते हैं ना योगा द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला सिखाता है, अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है। क्या आप लोगों ने अपने आप एक बार आप खुल करके सोचिए कि योग विभाग में आने से पहले आपकी स्थिति क्या थी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और योग विभाग में आने के बाद एक महीना हो गया ना पीजी वालों का, कितने लोग पीजी में है, कुछ बदलाव हुए हैं? हाँ, तो ये बदलाव अगर आप सच में महसूस करते हैं तो आप योग विभाग में आकर योग विभाग का लाभ उठा रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे हमारे बीच हैं जो योग विभाग में आए और कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बेकार एडमिशन लिए, छोड़ दीजिए फालतू का, अपने माता पिता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं और अपने शिक्षकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी आने जाने का जो भी अपना शारीरिक जो क्षमता उसको खो रहे हैं। अगर आप लोगों ने योग विभाग में एडमिशन लिया है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, आप लोगों ने कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित किया होगा। आज ही अगर आपने अगर अपना लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया है तो आज ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि हमारा जो योग विभाग है हमारे बच्चों को रोजगार देने का बात करता है, लेकिन रोजगार तभी मिलेगा जब आप एक इनिशिएटिव लेंगे, आप एक कदम तो उठाओ, सारे टीचर्स आपको 99 कदम आपको चलाने में मदद करेंगे। आप लोग जितने भी
आवश्यक है। जब आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, आप अपने आप में निखार लाते हैं, तो आपको लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यकीन मानिए, वो लोग आपसे संपर्क करते हैं, आज हमारे पास फोन आते हैं, मैम आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तब हमें इतना गौरवान्वित महसूस होता है कि योग के भाव को आज लोग जानने लगे हैं, यहाँ के बच्चों को जानने लगे हैं। तो हम इतना ही चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो इस समय को यूटिलाइज करिए और योग विभाग का नाम रोशन करिए। मैम हम लोग जब फर्स्ट बैच में थे तो मैम लोग हम लोग को सैटरडे को एक टास्क देती थी हमेशा कि आप लोग सैटरडे को कुछ ना कुछ जरूर करिए और नेक्स्ट डे संडे को पेपर में आप लोग को जरूर आना है। और कोई ऐसा संडे नहीं होता था मैम जब हम लोग पेपर में नहीं आते थे। तो वो जो मतलब सर लोग इनिशिएटिव लेते थे, आप लोग जिसको बोलिए ना या फिर सर लोग को मन में रहता था कि इनको बुलाना है, किस लिए बुलाना है, क्या उनका ध्येय है, तो वो सर लोग का पार्ट होता था। लेकिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम एंट्री करना, कुछ परफॉर्मेंस करना, वो सारे बच्चे करते थे। वहां पे हम लोगों को टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन सच प्रशालक हम लोगों को बीबी रॉय सर ने इतनी कुशलता से करवाई कि आज हम लोग आप लोगों को कराने के लिए सक्षम हैं। तो हमारे बेटा सर लिंद का सर।
कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर लालन को सर और हमारे पूर्व डायरेक्टर मैडम डॉक्टर टुनी सरकार मैम जो भी देख रही हैं बैठे हुए हैं और आज बहुत अच्छा लगा कि मैम ने इस डॉक्टर मधुलिका मैम जो हमारी डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कदम उठाया कि दोनों को इस स्थापना दिवस में बुलाकर और हम लोग एक बीच में सम्मिलित किया बहुत ही अच्छा लगा। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर मधुलिका मैडम कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर गुरुचरण साहू सर और जितने भी शिक्षकगण हैं उन्हें मैं स्वागत करूंगा हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं स्वागत करता हूं। बात तो बहुत सारी है जिसको बताने में बहुत लंबा समय लग जाएगा इसलिए समय बहुत थोड़ा है और मैं बताना चाहूंगा कि आनंद सर से बहुत पहले से मेरा ये था बातचीत था जान पहचान भी थी तो सर अचानक फोन किए और सर बोलते हैं कि विकास थोड़ा यूपी भाग स्थापित हो रहा है आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है तो सर के बातों को देखते हुए मैं सर से मिला और इसके बाद सीधे तौर पर मुलाकात होते रही सर अक्टूबर में ही आ गए तो सर से बातें होती रहती थी बीच बीच में आता रहता था उस वक्त स्टार्ट नहीं हुआ था वही फॉर्म का जो सर बात कर रहे हैं वही फॉर्म वहाँ रखा हुआ था मैं वहाँ गया सर बोले कि विकास इसको लीजिए और चला जाए हम लोग अपने ऑफिस में तो वहाँ भी ऑफिस बंद ही था वहाँ गया तो सर के द्वारा ताला खोला गया आदरणीय मैम डॉक्टर कुल्लू सरकार मैम की वो आई वहाँ पर और हम लोग तीनों वहाँ बैठे हुए थे एक टेबल था कुर्सी था विशेष कुछ नहीं थी वहाँ और जो फॉर्म्स था वो रखा हुआ था मुझे टेंशन हो गया कि इसको करना क्या है कैसे करें क्या करें तो सर बोले कि इसको रखिए इसको सिस्टमाइज रखिए अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। टुल्लू मैम उधर से आई और टुल्लू मैम मुझे बताई कि कैसे इसे सिस्टमाइज रखा जाता है ए ए अक्षर के बी अक्षर के रोल नंबर 1-10 सारी चीजें मुझे सिखाई उसके बाद से जो यात्रा चली तो रुकने का नाम नहीं ली है और उस समय हर छोटी छोटी चीजों को सर बहुत बखूबी से देखते थे और हर तरह के प्रोग्राम को करवाते थे जैसे सर को लेकर राकेश सिन्हा सर आए थे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए थे हर चीजों को हम लोग सेलिब्रेट करते थे जैसे शौर्य दिवस हुआ रात में बात हो गई सर से विकास कैसे हम बोले सर बनोई है तो मेरे कर्नल है बुला लीजिए उठा के गए उसको कांच उठा के लेते हैं प्रोग्राम हो गए इसी तरह से हम लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज करते रहते थे लेकिन हाँ बहुत कष्ट से आज जो आप लोग यहाँ बैठे हैं ये कोई सुविधा नहीं थी ऑफिस भी बहुत छोटा था और दिन भर अच्छा रहता था और 11 बजे के बाद कोई वहाँ रहता नहीं इसीलिए जरूरी नहीं कि जिस वर्क प्लेस पर आप काम करें वहाँ हर जगह आपको मंजिल है ऐसा नहीं उसमें आपको जूझना पड़ता है और सीखना पड़ता है धीरे धीरे करते हुए स्थापित हुई और आज यहाँ तक आई जनवरी अभी हाल में ही आनंद सर यहाँ से गए तो उसके बाद फिर टुल्लू मैम का भी रिटायरमेंट का डेट था सच मानिए उस वक्त लगा कि विभाग ये हो जाएगा मतलब टूटने के कगार पर है मुझे बहुत खराब लगता था और जनरली हम बता रहे हैं सर कि मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे कि अब क्या होगा उसी दौरान गुरुचरण सर का एंट्री होता है और उनके मार्गदर्शन में सशक्त मार्गदर्शन में मैं कहूँगा कि वो 4 महीना जो लगा कि हमारा विभाग टूट जाएगा वो टूटा नहीं इसके बाद हमारे प्रिय डायरेक्टर मैडम डॉक्टर मधुलिका वर्मा जब आती हैं तो लगता है कि हाँ अब जाके हमारा विभाग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा और अब मुझे लग रहा है कि जो मेरी माँ स्वरूपा डॉक्टर टुल्लू मैम थी जिनके छत्र छाया में हमेशा रहूंगा ऐसा नहीं है आनंद सर के लिए तो इनसे हमेशा रूबरू रहता हूँ और जो भी है अब तो हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर इस पद पर है तो उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ और निरंतर चलना सबका काम है सर लोग का भी एक कार्यकाल है आज मैम लोग का कार्यकाल है कल कोई और रहेगा हो सकता है हम किसी दूसरे विभाग चले जाए ऐसा भी होता है बट आप लोग को ये विभाग को हमेशा लेके चलना इसी के साथ धन्यवाद।
सर, मैं आमंत्रित कर रहा हमारे गिले सर, गिले सर, दो शब्द, सिर्फ दो शब्द बस समाप्त, बस, दो शब्द, गुड नाइट। आज के कार्यक्रम में उपस्थित इसका हमारे योगी भारती निदेशक आदरणीय मधुरिका मैम, पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद सर और हमारे वर्तमान कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुजरन सर, आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को भी मैं नमन करता हूँ। मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, इस कारण से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। तो शुरुआत जो थी सभी चीजें आप लोगों को पता है और सभी लोगों ने अच्छे से बता दिया, आप लोग भी जो मैडम ने बातें कही, शिक्षा लोगों ने बातें कही कि ये जो दो साल मिला है इसका आप लोग उपयोग करिए। एक बात मुझे याद आती है हमारी मैडम की, वो कहते थे जो स्टूडेंट होता है जिस समय जो पढ़ने का टाइम होता है, आप लोगों की पढ़ाई कर रहे हैं इस साल में, इस समय में जो जग जाता है ना वो जीवन भर मजे से सोता है, इस बात की अगर है समझिएगा, और जो इस समय सो जाता है तो उसको जीवन भर इधर उधर भटकते हुए जगना होता है, ठीक है। और आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला। आप दुनिया के ऐसे अनेकों देश हैं जहाँ पे न धर्म की चीजें हैं, न अध्यात्म है, न योग है। आज वो लोग मार रहे हैं, पहले मजाक करते थे उस योग का, तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इस भारत भूमि में पैदा होने का अवसर मिला जहाँ पे सारी संभावनाएं हैं कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, हर आत्मा में एक दिव्य व्यक्तित्व है, आप शून्य से शिखर तक जा सकते हैं। तो इस संभावनाओं को आप तभी उपयोग कर पाएंगे जब यहाँ आप अध्ययन करें मन लगा करके श्रद्धा के साथ में, तो निश्चय ही ये योग आपको आगे चल के बड़ा ही कहें कि संभावना आपके भीतर और बढ़ जाएगी। नहीं तो आप केवल उस योग को सीखेंगे जो जिम्नास्टिक करता है तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आप आए हैं यहाँ पर, योग को सीखिए, गहराई से समझिए, जानिए और ज्यादा उपयोगी है कि आप अपने आचरण में उतारिए। तो ऐसा ही करेंगे तो निश्चय ही आगे चल के आप लोग एक अच्छे योग शिक्षक के रूप में और उससे भी बड़ी बात एक अच्छे इंसान के रूप में आगे जरूर जो है अपने भीतर की संभावना को विकसित करेंगे। तो आप लोग हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन आप लोगों को मिलते रहेगा, बस आप लोग लेने के लिए तैयार रहें। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, इतना ही बोलूँगा और आप लोग सभी इस तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहें। सभी को आज के कार्यक्रम के लिए पुनः एक बार धन्यवाद सर। वास्तव में अपन सब योग करते हैं और खिले सर का रूटीन जो है डेली रूटीन वो पूरे योग में है और इनसे इनके व्यक्तित्व से सीखने को निरंतर हम भी प्रयास करते हैं और सीखते हैं। अब इस समापन की ओर इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। मैं इस 19 दिसंबर 2022 के स्थापना दिवस के आप सभी जो सहयोग किए हमारे विद्यार्थियों को जो शांति का परिचय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सीनियर टीचर डॉक्टर पंडिता सिंह पंडिता मैडम जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। एवं इस विभाग में साधना रक्त जिज्ञासुओं का मेरा सादर पूर्वक नमन नमस्ते। पिछले घंटों से हम सभी ज्ञान धारक के रूप में यहाँ बैठे जिसका कारण आज का यह विशेष दिन है स्थापना दिवस। इस विभाग की शुरुआत इस राज्य में आध्यात्मिक जागरूकता एवं आने वाली पीढ़ी के संस्कार का बीजारोपण की स्थापना हुई शैक्षणिक तौर पर जब इसकी स्थापना हुई थी। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने पूर्व निर्देशिका टुंडू मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी जो
माध्यम से जुड़ी हुई हैं कि आपके द्वारा लगाए गए पौधे फल देने लगे, आपका बहुत बहुत आभार मैम। इसके बाद में हमारे योग विभाग के पूर्व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद ठाकुर सर हैं, जिन्होंने अपनी निष्ठा एवं मेहनत से कुछ ही वर्षों में कई पाठ्यक्रम चलाकर हमारे विभाग की नींव को मजबूती दिया और आप अपनी कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए, इसके लिए ये हमारे सौभाग्य की बात है और आपकी भागीदारी अतुलनीय है। वर्तमान में हमारे विभाग की डायरेक्टर मैम डॉक्टर मधुलिका वर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने गुरु शिष्य की परंपरा को बखूबी समझाया और आपने कई नई योजनाओं द्वारा इस विभाग के भविष्य की योजना बनाई है। हम सभी इस योजनाओं से उत्साहित हैं और इसे कार्यान्वित करने के लिए सदैव आपके साथ हैं, यह हमारा सौभाग्य है। इसके बाद में योग विभाग के कोऑर्डिनेटर सर डॉक्टर गुरुचरण साहू सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लगातार इस विभाग का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और आपके साथ काम करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। फिर मैं डॉक्टर विभूति सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित सर और मैडम का अपने शब्दों में स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस विभाग के सबसे पहले बैच के स्टूडेंट्स रह चुके राजेश जी, संतोषी जी और मनीष जी को भी दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत नेट क्वालिफाई कर आपने इस विभाग को सेवा दे रहे हैं, आपकी सफलता ही हमारे बुनियाद को और भी मजबूत करता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस विभाग के शुरुआत से लेकर आज तक आपका योगदान अतुलनीय रहा। संगीता और दीपक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, यहाँ पढ़ाई चल रहे बच्चे को भी बहुत धन्यवाद कि आप सभी के लगन से इस विभाग को सफल अपने लगन से इस विभाग को सफल बनाया है। और साथ ही अंत में मैं संचालन करता श्री मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम का संचालन कर स्थापना दिवस को साझा करने के लिए। धन्यवाद मैम, आप सभी से निवेदन एक मिनट के लिए कमर से निकल के बैठ जाए, शांति पाठ के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। दोनों हाथ के बंद, दोनों हाथ खुले, दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ नीचे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति और इसके बाद वृक्षारोपण होगा, ध्यान दें सभी विद्यार्थी स्वर्ण।